पापा मैं डिवोर्स दे दूं क्या? हालत देखिए अपनी, अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? देखने से पहले यह अजाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे से फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है।
उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनु वेत्समन और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती, खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Netflix पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Netflix का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन, खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में
प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवर मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी, जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है, जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती, खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन, खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवर मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी, जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है।
कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम
अपनी भूमिका में अच्छे हैं, वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र ले घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनु वेजमनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं, वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है।
बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह हजाने फिल्म की कहानी फिल्म करी व्यू हजाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने वाले फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है लड़की आगे लड़का पीछे लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनु वेजमनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाएं दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म करी व्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है।
दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेर लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है। तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनु वेजमनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेर लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है
बताया कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी
गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने वाले फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती, खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा, मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने वाले फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में
प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी, जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है, जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती, खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े हैं, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन, खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है। तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी, जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है।
कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Netflix पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Netflix का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी। फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेर लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र ले घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनु वेजमनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत में इसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम
अपनी भूमिका में अच्छे हैं, वो सुंदर है और यह उन्हें अदाएं दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म करी व्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेर लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे है, वो सुंदर है और यह उन्हें अदाएं दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है।
बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू अजय ने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे, लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए। क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू अजय ने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल, बरसात, बिजली, आंधी, तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है।
दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र ले घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है। तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनु वेजमनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों, पर्वतों, घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट
डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है। तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनु वेजमन और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती, खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाएं दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है, जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Netflix पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Netflix का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन, खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि सातवीं से दसवीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर
अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र ले घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनु वेत्समन और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती, खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन, खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर
कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सन्नी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े हैं, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सन्नी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सन्नी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सन्नी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सन्नी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत
आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र ले घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है।
कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म करी व्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनु वेजमन और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम
अपनी भूमिका में अच्छे हैं, वो सुंदर है और यह उन्हें अदाएं दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेर लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र ले घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनु वेजमनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं, वो सुंदर है और यह उन्हें अदाएं दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है।
बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म करी व्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेर लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है लड़की आगे लड़का पीछे लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं इससे पहले वो तनु वेजमन और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे है। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाई दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म करी व्यू जाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है।
दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है। तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी
हैबिट 2 डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र ले घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है। तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट 2 डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर
अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने वाले फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे। लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है। तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनु वेजमनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है, मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है, जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Netflix पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Netflix का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है, प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है, मगर अपना रेस्तरा खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल आती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने वाले फिल्मों में ना देखा हो।
लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो, जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं, इससे पहले वो तनुवर मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती, खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सन्नी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सन्नी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो, कितना ही खतरनाक विलन हो, चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो, कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सन्नी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन, खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है, तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सन्नी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए, क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सन्नी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है, बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो,
जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खासतौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्म में रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े हैं, मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू अजाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा। मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खासतौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र लिए घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए। क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन कम विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनुवेज मनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अभी देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो।
यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल वो रूबरू खड़े है मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गिन्नी विद सनी फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू जाने कहा देखिए इसे फ्री में। जब फिल्म का नाम ही गिन्नी विद सनी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी होकर रहेगी। बादल बरसात बिजली आंधी तूफान हो कितना ही खतरनाक विलन हो चाहे प्यार का दुश्मन जमाना हो कोई इस शादी को रोक नहीं पाएगा मगर गिन्नी विद सनी में ये कुछ नहीं है। दरअसल ये उस पीढ़ी के युवाओं की कहानी है जिनका फेवरेट शब्द है कंफ्यूजन। खास तौर पर वो प्यार और रिलेशनशिप के स्टेटस में अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। ऐसे में विलन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। मंडप तक पहुंचने से पहले वो भावनाओं के जाने कितने जंगलों पर्वतों घाटियों में सफर कर आए होते हैं और अंत में भागते भागते साथ फेरे लेते हैं। अनंत प्यार है क्या चीज। फिल्म में शादिया ही शादिया नाम की मैरिज सर्विस देने वाली नायिका की माँ नायक से कहती है प्यार एक हैबिट है तू उसे अपनी हैबिट डलवा दे और उसकी हैबिट टू डाल ले प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। मामला यह है कि गिन्नी इतनी सुंदर है कि 7वीं से 10वीं तक उसके साथ पढ़ चुके सनी को अपनी पहुंच के बाहर लगती है। पिता सनी की शादी कराना चाहते हैं और बेटे की स्थिति देखकर मानते हैं कि मांगो तो नखरे होते ही है और नहीं होते। सनी पूर्वी दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता का पुत्र है मगर अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। उधर एक बीमा कंपनी में काम करने वाली गिन्नी को लव मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज के बारे में उसकी माँ से शिकायत है कि वो एक से बढ़कर एक सैंपल लाती है और सोचती है कि बेटी गोबर को केक समझकर खा ले। गिन्नी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कहानी का कॉमेडियन कम विलेन है। उसके साथ गिन्नी का सैकड़ों बार ब्रेकअप हो चुका है मगर कॉमन फ्रेंड सर्कल के कारण दोनों साथ में मगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। गिन्नी विद सनी में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉलीवुड फिल्मों में ना देखा हो। लड़का जेब में मंगलसूत्र ले घूम रहा है, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़के की फैमिली और हीरोइन की माँ भी लगी है कि किसी तरह दोनों की शादी जम जाए क्योंकि लड़की पहले रोमांस चाहती है तो सबकी कोशिश है कि गिन्नी सनी के बीच पहले प्यार का चमत्कार घटे। जब जब लगता है कि लड़का लड़की में प्यार होने वाला है बीच में कॉमेडियन का विलेन आ जाता है। इस रूटीन घटनाक्रम के बीच लेखक निर्देशक अंत आते आते थोड़ा ट्विस्ट डालकर गिन्नी सन्नी के फेरे करवा देते हैं। इन तमाम बातों में 2 घंटे निकल जाते हैं। अतः इस फिल्म की पहली शर्त यह है कि 2 घंटे खाली हो जिसमें आप बगैर दिमाग लगाए कुछ देखना चाहते हो। निर्माता विनोद बच्चन पर्दे की शादी आप पसंद करते हैं। इससे पहले वो तनु वेजमनु और शादी में जरूर आना भी बना चुके हैं। ऐसे में ये शादी उसे एक सुरक्षित प्लॉट लगी जिसमें पंजाबियत का तड़का लगा है। कुल जमा ये ऐसी फिल्म है जो ना तो किसी तरह का उत्साह पैदा करती है और ना ही इसे देखकर आप कुछ पाते हैं। बॉलीवुड में ज्यादातर सिनेमा ऐसे ही बनता है जिसका एकमात्र पवित्र लक्ष्य रहता है देखने वाले का एंटरटेनमेंट। अब ये देखने वाले पर है कि वो इसे देखते हुए खुद एंटरटेन हो। यामी गौतम और विक्रांत मेसी की जोड़ी नहीं जमती। खास तौर पर विक्रांत इस रोल में मिसफिट नजर आते हैं। एक फिल्मी रोमांटिक युवा के रोल में बाला चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उनके पास नहीं है, जबकि यामी गौतम अपनी भूमिका में अच्छे हैं। वो सुंदर है और यह उन्हें अदाए दिखाने का भरपूर मौका मिला है। निर्देशक पुनीत खन्ना ने रोमांटिक दृश्यों को फिल्माने में खास मेहनत नहीं की और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि कहानी में कुछ नया जाए। ये उन बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जो आप सब कुछ जानते बूझते देखते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके खत्म होने पर याद रह जाए। गीत संगीत औसत है मगर गजल
वो रूबरू खड़े हैं मगर फासले तो है जरूर सुनने जैसी है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।